नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर वही पेंशन अपडेशन का मुद्दा। एक क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपको भी पता होगा कि 22/22 को कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है, पेंशन अपडेशन का इश्यू है। इसमें एक बात हमारे रिटायर्ड साथी ने उठाया था कि विल आई बी ए कॉल यूर व्यू फॉर डिस्कशन एंड सेटल पेंशन अपडेशन और विल सबमिट इंटरिम रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द हियरिंग डेट ऑफ 22 अप्रैल 2022 एज द टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग फॉर फाइनलाइजेशन। बात यह है कि जैसा कि अभी तक परिदृश्य में पता चल रहा है कि आईबीए ने जो कमेटी बनाई है एंड दैट वाज प्रेसाइडेड बाय एमबी राव, चेयरमैन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कमेटी की रिपोर्ट 22/22 को अथवा इंटरमीडिएट रिपोर्ट एटलीस्ट सबमिट करिए ताकि फर्दर सुनवाई हियरिंग किया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि मार्च चल रहा है 22/22 को, फिर एक तरफ रिटायरी एसोसिएशन के मेंबर्स कह रहे हैं मुझे कॉल करिए, यूएफबी हम कह रहा है पेंशन अपडेशन पे हमसे डिस्कस करिए, तो क्या आईबीए किसी भी रिटायरी एसोसिएशन को अथवा यूएफबीओ को इस मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए कॉल करेगी या आईबीए डायरेक्ट अपना रिपोर्ट अथवा इंटरिम रिपोर्ट एफएक्स कोर्ट में डेट ऑफ हियरिंग के दिन यानी कि 22/22 को प्रेजेंट करेगी। ये हम रिटायरीज के बीच में एक बात, एक मुद्दा, एक डिस्कशन है और हमारे अपने अपने राय आ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि हम को ये पता चले कि हमारे क्या ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, माय प्रेजम्पशन इज दैट आईवीए विल सबमिट ए इंटरिम रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इट मे नॉट पॉसिबल फॉर इट टू कंसीडर अपडेशन ऑफ पेंशन ड्यू टू रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स एंड मे सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मे फॉर ए कमेटी टू स्टडी एंड रिपोर्ट देयर एंड्स द मैटर। हमारे एक और साथी ने कमेंट किया है, दे विल सबमिट द रॉन्ग इंटरिम रिपोर्ट विच विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, सो नेक्स्ट डेट एंड नेक्स्ट डेट टिल ऑल पेंशनर आर डेड। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू पार्ट विद दिस ह्यूज सम, दे वॉन्ट टू रिटेन इट, यूज इट मे बी टिल 2024 elections। हमारे एक साथी का कहना है, आवर पेंशन अपडेशन डिविजन इज एन इशू ऑफ द बाईपार्टाइट सेटलमेंट एज यूनियन लीडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाईपार्टाइट सेटलमेंट ऑफ दिस इशू, कोर्ट विल ऑल्सो डायरेक्ट द आईबीए एंड मैनेजमेंट एंड यूनियन टू सेटल द सेम बाई द बाईपार्टाइट सेटलमेंट। लास्ट में एक और साथी की बात बताते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूं। सर, इट इज वेरी सिंपल, अगेन द कोर्ट विल एडजॉर्न द केस एंड नेक्स्ट डेट विल बी गिवन, अगेन ऑन द नेक्स्ट डेट इट विल बी न्यू डेट फॉर सेम, दिस विल बी लाइक दैट ओनली एंड डेट आफ्टर डेट विथ नो रिजल्ट्स, वी आर एट द एंड ऑफ द एज ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टिंग समथिंग रिलीफ विल बी देयर लाइक दैट बट नथिंग विल बी देयर, अल्टीमेटली वी विल गो टू डिप्रेशन विद नो रिजल्ट। और फ्रेंड्स, मेरा अपना ओपिनियन है कि आईबीए विल नॉट कॉल एनी एसोसिएशन, आइदर रिटायरी एसोसिएशन आर यूपीओ, टू डिस्कस इन रिगार्ड टू द पेंशन अपडेशन एंड दे विल सबमिट द एंटरिम रिपोर्ट टू एपेक्स कोर्ट विथ सर्टेन क्लॉज एंड दैट मे बी अबाउट द रिसोर्सेज, अबाउट द सम्पशन ऑफ द एक्यूरियल रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, एंड कोर्ट विल अगेन
गिव द एडजॉर्नमेंट फॉर द फाइनल रिपोर्ट एंड इट विल बी अगेन डिलेड फ्रॉम द साइड ऑफ कोर्ट टिल गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड टू अपडेट पेंशन अपडेशन नो कोर्ट विल बाउंड देम एज माई ओपिनियन. ये डिफर भी हो सकता है, आप अपना भी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दें, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आगे का रास्ता बनता है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार.